कंपनियों को जब डिमांड करते हैं, कंपनियों की जब विशेषताओं की बात की जाती है, उनके साथ साथ कंपनियों की क्लासिफिकेशन या कंपनियों के टाइप्स, इसके बारे में भी जानना आपके लिए जरूरी है। कंपनियां कितने तरह की हो सकती हैं, कंपनियां बनाने की बेसिस क्या है, ये बोर्ड मैंने आपके लिए शुरुआत किया है। वो बेसिस जिसके आधार पर कंपनी को क्लासीफाई किया जा सकता है, कंपनियों के डिफरेंट टाइप्स हमको पता होना चाहिए। कंपनियाँ कंपनियों के नेचर के बारे में हमने जानकारी ले ली। तो अब कंपनियाँ कितनी तरह की हो सकती है, ये हमारे इंट्रोडक्टरी पार्ट का एक और एक्सप्रेशन आ चुका है। तो सबसे पहली ग्रोथ क्राइटेरिया करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन और इनकॉर्पोरेशन। इसका मतलब है कंपनियों के बनने की या कंपनियों के सम्मेलन की जो बात होती है, उसके आधार पर कंपनियाँ कितनी तरह की हो सकती है। एक ग्रोथ क्राइटेरिया जिसको बता रहे हैं उसको नाम देते हैं हम अनइनकॉर्पोरेटेड या अनरजिस्टर्ड। नाम पता अपना बता रहे, ऐसी कंपनी जिसका इनकॉर्पोरेशन या रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है वो है अनइनकॉर्पोरेटेड कंपनी। और हकीकत यह है कि वास्तव में इसको कंपनी कहा ही नहीं जाता। कंपनी के बारे में हमने पिछली क्लास में बात की थी, कंपनी का रजिस्टर होना जरूरी है। जब तक कंपनी का रजिस्ट्रेशन नहीं है, अनइनकॉर्पोरेटेड फर्म जो भी होगी इसके लिए वन वर्ड काम में लेंगे हम, और उसको नाम देंगे इलीगल एसोसिएशन, अवैध संघ। तो ये अभी ऐसी भी हो सकती है, ये संस्था हो सकती है जो नाम के साथ कंपनी शब्द लगा रही है लेकिन उनका पंजीयन नहीं हुआ, उनका समावेदन नहीं हुआ है, तो उनके लिए शब्द नाम में होते हैं अनइनकॉर्पोरेटेड या अनरजिस्टर्ड। और दूसरी जो होती है वो होती है इनकॉर्पोरेटेड या रजिस्टर्ड। जिसका सिस्टमेटिकल तरीके से पंजीयन हुआ है, पंजीकृत या समावेलित कंपनी, हिंदी में इसको बोलेंगे हम पंजीकृत या समावेलित। अब पंजीकरण कैसे होता है या समावेलित कैसे होता है इसके बारे में फिर इसको सब डिवाइड करते हैं। इसमें एक हो सकता है बाय रॉयल चार्टर। रॉयल चार्टर होता है शाही आज्ञा पत्र। शाही आज्ञा पत्र या शाही फरमान कहाँ निकलते हैं, जहाँ राजा महाराजा सम्राट जैसी शासन व्यवस्थाएं हो वहाँ पर ये सब काम में लिया जाता है। आज के रूप में हमारे यहाँ ये पॉपुलर नहीं है, जहाँ डेमोक्रेटिक सिस्टम आ गया है, जहाँ चुनावी सरकारें होती है, वहाँ ये सिस्टम प्रचलन में नहीं है। लेकिन आपको एग्जाम्पल के रूप में जानना चाहिए ईस्ट इंडिया कंपनी, ये रॉयल चार्टर से बनी थी, ब्रिटिश रॉयल चार्टर से बनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी। इसके अलावा इंग्लैंड का जो सेंट्रल बैंक है, बैंक ऑफ इंग्लैंड, आदमी सरकार अपने देश का सेंट्रल बैंक कौन सा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऐसे इंग्लैंड का सेंट्रल बैंक है बैंक ऑफ इंग्लैंड, इसकी स्थापना हुई थी रॉयल चार्टर से। वहाँ पर आज भी महारानी एलिजाबेथ ये सम्मानजनक पर देखने को मिल सकता है। तो आवश्यकता पड़ने पर इस व्यवस्था को वहाँ पर काम में लाया जा सकता है। और जहाँ पर शाही सत्ताएँ नहीं है, शाही शासन व्यवस्था नहीं है, वहाँ पर ये सिस्टम काम नहीं है। तो दूसरा इसमें हम बनाते हैं वो है अंडर स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, इसको कहेंगे हम संसद का विशेष अधिनियम। संसद अगर सेंटर की बात करें तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन मिलकर पार्लियामेंट बनाते हैं। और हमारे स्टेट लेवल पर बात करें तो विधानसभा, जैसे राजस्थान विधानसभा है हमारे राज्य में है, तो जब भी पब्लिक इंटरेस्ट में कोई बात जरूरी होती है जिसका पूरे राज्य के अधिकांश लोगों से संबंध हो सकता है, उसके लिए संसद में विशेष प्रस्ताव पारित किया जाता है और एक कंपनी गठित कर दी जाती है। कंपनी बनाने का, उसके फंक्शनिंग का, उसके ऑपरेशन का सारा मैकेनिज्म पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में ध्यान रखना सेंटर में लोकसभा और राज्यसभा, और हमारे राज्यों में विधानसभा। अब इसके कुछ एग्जाम्पल आपको दिए गए, IDBI, ICICI, IFCI, सेंट्रल लेवल की बातें, LIC, GIC, ये है अंडर स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बनी हुई। राजस्थान की बात करें
राजस्थान फाइनेंस कॉरपोरेशन RFC रिको, ये संस्थाएँ संसद के विश्लेषकों से मिली है। कोई खास कारण होता है जिसका पब्लिक सेक्टर में रहना जरूरी है, ऐसी संस्थाएँ इस कैटेगरी में शामिल की जा रही है। और तीसरा होता है अंडर द कंपनीज एक्ट, यानी हमारे देश में जो कंपनी एक्ट चल रहा है उसमें जो व्यवसाय दे रखी है, जो प्रावधान है, जो औपचारिकताएं पूरी करनी है उसको पूरा करते हुए आप कंपनी का निर्माण कर लें। फॉर्मेशन के लिए एक प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर को आप अपनाइए और कंपनी बनाई जरूरी है। मैक्सिमम जो कंपनी होती है जिनको वास्तव में कंपनी का एक्ट बनाया जाता है वो अंडर कंपनी जनरली बनाई जाती है। कंपनी अधिनियम में जिसका निर्माण किया जाता है ऐसे होती है ये कंपनी। तो हम जो साल भर पढ़े करेंगे हमारे सिलेबस में हमारे जो भी कंटेंट्स हैं सारे के सारे इस तीसरी कैटेगरी से संबंधित होंगे। लेकिन ये दो व्यवस्थाएँ ऐसी कंपनियाँ भी हो सकती है, जैसा हमने बात की ना रॉयल चार्टर, रॉयल चार्टर इंग्लैंड का सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ इंग्लैंड जो शरी आज्ञा पत्र से बना हुआ है रॉयल चार्टर से वो आज भी है। तो ऐसी भी हो सकती है क्योंकि हमने प्रोडक्शन बात की थी कि जिस डेट को कंपनी अधिनियम अस्तित्व में आता है उस तारीख को जो भी कंपनियाँ चल रही हैं उनको हम कहते हैं एग्जिस्टिंग कंपनीज, विद्यमान कंपनियाँ। तो ऐसी हो सकती है। और ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट का या राज्य सरकार का विशेषाधिकार होता है कि वो पब्लिक इंटरेस्ट में ऐसे संस्थाओं का निर्माण करती है, संचालन करती है। ये पहली कैटेगरी मतलब बेसिस ऑफ फॉर्मेशन या इनकॉर्पोरेशन, कंपनियाँ कैसे बनती हैं इसका पहला आधार कंपनियों के निर्माण तरीके। दूसरा मतलब बेसिस ऑफ लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स, सदस्यों का दायित्व होता है कि दायित्व का आधार पर अगर कैटेगरी करें तो पहली दो कैटेगरी बनाएंगे हम अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। हिस्ट्री जब हम डिस्कस कर रहे थे हमने बात की थी कि जब हमारे देश में पहली बार कंपनी अधिनियम बना धारक में बना था 1844 दुनिया का पहला कंपनी अधिनियम इंग्लैंड में, और उसके अकॉर्डिंग में क्योंकि भारत में भी ब्रिटिश सरकार थी 1850 का पहला अधिनियम बना उसने केवल अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी में ही बनाई जा सकती। तो ये शब्द बता रहा है कि जिसमें लिमिटेशन नहीं होती है, लाइबिलिटी लिमिटेड नहीं है, आपको किसी भी काम के लिए किसी भी सीमा तक जिम्मेदार ठहरा सकता है भले ही आपने वो काम किया है या नहीं किया है। ऐसी भी स्थितियाँ बन सकती है, फिक्स नहीं है या लाइबिलिटी फिक्स नहीं है वो अनलिमिटेड कंपनियाँ। हमने जब हिस्ट्री की बात की थी कंपनियाँ बनती नहीं थी, लोग इंटरेस्ट नहीं लेते थे। तो जब लिमिटेड लाइबिलिटी का प्रोजेक्ट आना गया 1857 में उसके बाद में ज़्यादातर जो कंपनियाँ बनने लगी वो बनती है लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। सीमित दायित्व कंपनी, इसमें लाइबिलिटी को लिमिटेड कर दिया जाता है। कैसे लिमिटेड कर दिया जाए इसमें नंबर वन कर लेते हैं लिमिटेड बाय शेयर्स, अंशों द्वारा सीमित। जिस कंपनी में शेयर कैपिटल होती है शेयर का एक फेस मूल्य होता है, अंकित मूल्य होता है, जो अंकित मूल्य होता है उसके बराबर लाइबिलिटी लिमिटेड कर दी जाती है। शेयर इशू करने के बाद में जब जब कंपनी गोल्स रखती है शेयर को फुली पेड कराने के लिए आपकी लाइबिलिटी है तब तब उस कोर मनी का भुगतान करें, और जैसे ही शेयर फुली पेड हो गए आप अपनी जिम्मेदारी से माने जाएंगे। और दूसरी लिमिटेड होती है लिमिटेड बाय गारंटी, गारंटी मनी एक्सेप्ट करके आप कंपनी के साथ जुड़ने का ठहराव करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं। और जनरली गारंटी मनी होती है कंपनी के समापन समय या कंपनी बहुत ज़्यादा विषम परिस्थिति में आ जाए उसके अलावा मांग नहीं दी जाती। लेकिन लिमिटेड या अनलिमिटेड ये दो कैटेगरी हमारे पास है, अनलिमिटेड ज़्यादा नहीं बनाई जाती है। लेकिन कई परिस्थितियाँ होती है कि लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो जाती है, जैसे मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स जितने चाहिए प्राइवेट कंपनी में 2, पब्लिक कंपनी में 3, अगर इससे कम मेंबर रह गए तो जितने बचे हुए हैं उन सबकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी। ऐसे ही
टाइटस की हो सकती है, जो मिनिमम नंबर है उससे कम रह जाए उस केस में लिमिटेड लाइब्रेरी का ग्रोथ ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। जब तक वो संख्या वापस नॉर्मल ना हो जाए तब तक लाइब्रेरी को हम लिमिटेड नहीं बनेंगे। ये हमारा दूसरा इन्वेस्टमेंट हो ऑन द बेसिस ऑफ लाइब्रेरी को ओपन कर सकते। तीसरी कैटेगरी है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेस टू कैपिटल मार्केट, पूंजी बाजार में प्रवेश के आधार पर। कैपिटल मार्केट यानी शेयर्स डिवेंचर जो कंपनियाँ इशू करती है तो उसको इशू करने का जो मैकेनिज्म होता है उसके आधार पर कैटेगरी बनाए। तो पहली कैटेगरी जिसके हम लिस्टेड कंपनीज लिस्टेड सूचीबद्ध कंपनियां जिनका हमारे देश के किसी भी स्टॉक एक्सचेंज पर एक या से ज्यादा स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टिंग हो चुका है। लिस्टिंग यानी उस स्टॉक एक्सचेंज पर जिन सिक्योरिटीज की ट्रांजेक्शन होती है, परचेज का, खरीदने का, विक्रय करने का कार्य होता है, उस पर आपकी कंपनी का नाम दर्ज है तो आपकी कंपनी लिस्टेड कंपनी, और अगर ऐसा नहीं है तो जाएगी अनलिस्टेड कंपनी। सूचीबद्ध कंपनी किसी भी स्टॉक एक्सचेंज का नाम नहीं है। अब यह बात कब बने कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, जिनमें शेयर कैपिटल ही नहीं है, आप कैपिटल मार्केट में गए नहीं हो, आपने शेयर इशू किए नहीं है, तो ऐसे में लिस्टिंग कराने की आवश्यकता नहीं है। प्राइवेट सोर्सेज से अगर हम कैपिटलाइजेशन पूरा कर सकते हैं तो हम अनलिस्टेड फॉर्म में भी हो सकते हैं, लेकिन जब तक कैपिटल मार्केट में एंट्री नहीं है आपका लिस्टेड कहा जाएगा। कैपिटल मार्केट सदस्यों की संख्या इसको अगर बेस बनाए तो पहली हमारे पास कैटेगरी आती है पब्लिक कंपनी, सार्वजनिक कंपनी। सार्वजनिक कंपनी में कम से कम 7 मेंबर होने जरूरी है और मैक्सिमम के ऊपर नो रेस्ट्रिक्शन, कोई सीमा नहीं है। अधिकतम संख्या कितनी, जितने आपने शेयर जुड़ी है, जितना अलॉटमेंट किया गया उसके हिसाब से ये अधिकतम संख्या कितनी होगी कोई रेस्ट्रिक्शन इसके बारे में नहीं लगेगा। और दूसरी अगर हम इसकी कैटेगरी बनाए तो कहलाएगी प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम मेंबरशिप होगी 2 और मैक्सिमम मेंबरशिप की बात करेंगे तो ये हो जाएगी 200। नंबर ऑफ मेंबर्स, कितने मेंबर जुड़ेंगे, प्राइवेट कंपनी है मिनिमम 2 मैक्सिमम 200, पब्लिक कंपनी है कम से कम 7 मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। और कंपनी अधिनियम 2013 में एक नई व्यवस्था दी गई है जिसको बोलते हैं हम वन पर्सन कंपनी, इसको बोलेंगे OPC, वन पर्सन कंपनी। एक ही व्यक्ति, पहले होता था ना प्राइवेट कंपनियां बनाई जाती थी, सारा डोमिनेशन एक व्यक्ति का होता, खाली डमी किसी भी आदमी को जोड़ लिया जाता है। उस व्यवस्था को थोड़ा लिबरलाइज करके हमने OPC का प्रोविजन 2013 के कंपनी अधिनियम में डाल दिया, जिसमें मिनिमम और मैक्सिमम मेंबर कितने हो सकते हैं, केवल 1, इसलिए नाम है वन पर्सन कंपनी। तो वन पर्सन कंपनी इस अधिनियम के साथ ही असेंबली बनाई, उसके दो नंबर जब वो चैप्टर आता है उसमें देखेंगे। अब इंट्रोडक्शन के रूप में देखते हैं नंबर सदस्यों की संख्या के आधार पर देखें तो फिर हमारे पास तीन कैटेगरीज। अब लेते हैं हम बेसिस ऑफ कंट्रोल, किसी कंपनी का दूसरी कंपनी के साथ एसोसिएशन का कंट्रोल जो होता है, तो फिर हमारे पास तीन कैटेगरी देखने को मिलती है। एक होता है होल्डिंग कंपनी, इसको बोलते हैं सूत्रधारी कंपनी। कंपनियां बनती है तब रजिस्टर होते समय नाम नहीं लिखा जाता, होल्डिंग कंपनी का नाम नहीं लिखा जाता है, या होल्डिंग जैसा कोई विशेषण कंपनी के साथ जुड़ा नहीं जाता है। बन जाती है लेकिन कब बनती है, जब उसकी दूसरी कोई कंपनी होती है सब्सिडियरी। यानी सहायक कंपनी, जब तक सहायक कंपनी नहीं है सूत्रधारी शब्द आपने नहीं लेते हैं, और जब सूत्रधारी है तो ये मान के चलना है कि उसकी कोई ना कोई सहायक कंपनी है। इन दोनों का कोई एग्जिस्टेंस है, एक के बिना दूसरे का अस्तित्व नहीं है। अब कैसे बनता है, जब किसी कंपनी की 50% या ज्यादा शेयर कैपिटल किसी दूसरी कंपनी के पास चली जाए, आधे से ज्यादा शेयर कैपिटल के ऊपर दूसरी कंपनी का अधिकार हो जाए,
और जिसका अधिकार हुआ वो बन जाएगी मोटे कंपनी, और जिसका अधिकार छोटा वो बन जाएगी सब्सिडियरी कंपनी। अगर आधे से ज़्यादा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का गठन दूसरी कंपनी करने का अधिकार रखती है तो जो अधिकार रखेगी वो होल्डिंग कंपनी, जिसका अधिकार छोटा वो सहायक कंपनी। और इसी तरह कंपनी के जब वोटिंग की बात आती है 50% से ज़्यादा वोटिंग रहेगा दूसरी कंपनी के पास है तो वो हमारी होल्डिंग कंपनी, और हमारा अधिकार क्योंकि छोटा है हमारी कंपनी को जाती है सब्सिडियरी कंपनी। तो ये 50% से ज़्यादा कैपिटल दूसरी कंपनी के पास आ जाए तो ये ऑटोमेटिकली काम आता है, इससे पहले नहीं होता है। इससे पहले अगर खाली कंपनी होती है 50% से ज़्यादा शेयर दूसरी कंपनी के पास चले जाए तो जिसके पास गए वो होल्डिंग, और जिस कंपनी में छोड़ गए वो कंपनी ले जाएगी सब्सिडियरी। और तीसरी होती है एसोसिएट कंपनी, एसोसिएट है सहचारी कंपनी। ये दोनों को मैं मानती हूँ 50% से ज़्यादा शेयर्स या वोटिंग राइट या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का गठन इसकी वजह से बनती है। यहाँ पर जो बात आती है ये होता है 20% कंपनी के शेयर कैपिटल का 20% से ज़्यादा पार्ट अगर किसी दूसरी कंपनी के पास चला जाए तो हमारी कंपनी उस कंपनी की एसोसिएट कंपनी बनी जाती है, सहचारी कंपनी बनी जाती है। ये तीनों स्थिति ऐसी है कंपनी बनते समय रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या इंकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट में ये नाम नहीं लिखे जाते हैं। ये तब होता है जब खुले बाजार में शेयर खरीदे जाते हैं बेचे जाते हैं तो उसके आधार पर 50% से ज़्यादा कैपिटल या 20% से ज़्यादा कैपिटल दूसरी कंपनी के साथ जुड़ जाती है। ये नए नाम हमको देखने को मिलते हैं, इनिशियली ये नाम कंपनियाँ इस नाम से बनाई गई है। अब एक और कैटेगरी लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप की बात करें तो हम बात करेंगे गवर्नमेंट कंपनी। सरकारी कंपनी, सरकारी कंपनी कौन है इसके पास 51% से ज़्यादा शेयर किसी कंपनी का चला जाए, किस कंपनी, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला जाए या स्टेट गवर्नमेंट के पास चला जाए या पार्टली सेंट्रल पार्टली स्टेट गवर्नमेंट के पास चला जाए तो ऐसी कंपनी को गवर्नमेंट कंपनी कह जाएगा। और दूसरी कहलाएगी नॉन गवर्नमेंट कंपनी। यानी जब गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ, गैर सरकारी कंपनी, तो वो सारी की सारी कंपनियां नॉन गवर्नमेंट कंपनी कहकर पकड़ी जाती है। तो हमारा कंसर्न केवल उस पोजिशन में रहेगा जबकि गवर्नमेंट कंपनी बनती है, कब बनेगी जब 51% से ज़्यादा शेयर गवर्नमेंट के पास चले जाए। कौन सी गवर्नमेंट, या सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, पार्टली हो सकता है पार्टली सेंटर पार्टली स्टेट गवर्नमेंट ऐसा हो सकता है। तो ये हमारे पास कंपनियों को जानने के लिए समझने के लिए कंपनियाँ कंपनियों के बारे में इंट्रोडक्शन इसको एक्सटेंशन देते हुए कंपनियाँ कितनी तरह की हो सकती हैं, हर कैटेगरी का अपना एक यूनिक फीचर है, उसके आधार पर आपको उसके फीचर्स को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। और केवल नाम से वो तो दो मार्क्स क्वेश्चन आते हैं हमारे पास, किसी भी कैटेगरी का कोई एक नाम बता कर आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ये बड़े क्वेश्चन के लिए भी आप तैयार कर सकते हैं और छोटे क्वेश्चन के लिए भी आपकी इंट्रोडक्शन वाला पार्ट तैयार कर सकते हैं। तो इसको अच्छी तरह आप देख लें।